नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम आपको आज दिखाने वाले हैं झंझारपुर बाज़ार समिति का ये वीडियो। किसान और कृषि उत्पादकों का सबसे बड़ा प्लेटफार्म कृषि उत्पादक बाज़ार समिति की रौनक जल्द ही लौटने वाली है। स्थानीय अखबार में छपा है, बाजार समिति विघटित होने के बाद यह बेजार हो रहा था। झंझारपुर बाजार समिति में बुधवार और रविवार को हाट लगती है, अन्य दिन कुछ स्थायी दुकान चलती है। पूरा प्रांगण खुला है, असुरक्षित दिखता है। हालांकि यहां पे आए दिन छीटपुट घटनाएं होना आम बात है। अब इस प्रांगण को सुसज्जित करने, चार दीवारियों से घेरने के लिए प्रशासनिक सक्रियता बढ़ गई है। SDO शैलेश कुमार चौधरी ने CEO कन्हैयालाल को बाजार समिति प्रांगण के भूमि विवरण त्वरित गति से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्य के 32 बाजार समिति को वित्त वर्ष 2020 से 2021 में सुरक्षित करने व चहारदीवारी से घेरने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी से झंझारपुर, जयनगर और घोघड़िया बाजार समिति का प्रांगण का कार्य भी सुसज्जित होगा। जानकारी के मुताबिक सरकार के अवर सचिव संदेश कुमार राय ने पुल निर्माण निगम के MD को पत्र देकर सभी बाजार समिति को चहारदीवारी के लिए प्राकलन भेजने का निर्देश दिया। इसी निर्देश पर पुल निर्माण निगम ने सभी संबंध SDO से भूमि विवरण की जानकारी मांगी है। यह बता दें कि वर्ष 2012 में ही बाजार समिति में गोडाउन, प्लेटफार्म, दुकान निर्माण के लिए मास्टर प्लान बनकर नक्शा दिया गया था, वह अब तक फाइल में धूल फांक रही है। इस बीच FCI की गोदाम बाजार समिति प्रांगण में बनी। गोदाम जाने के लिए नक्शे में अलग रास्ते का प्रावधान है, मगर FCI की सभी ट्रक बाजार समिति के बीच रास्ते होकर ही जाती है, जिससे हाट के लिए दिन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आम दिनों में भी सड़क पर कीचड़ आ जाती है, कभी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है यहाँ पर। यह निर्देश बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वीरी परियोजना अभियंता द्वारा SDO को लिखे गए पत्र में आलोक में दिया गया है। अब हम सबको देखना है कि यहाँ पे कब से इस कार्य को शुरू किया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी अखबार में छपे थे कि यहाँ पे चार दीवारी बनाने का काम जल्दी शुरू किया जाएगा, जिससे लोगों को भी काफ़ी सुविधा मिलेगी और जो ट्रक यहाँ से FCI गोडाउन में जाते हैं उनका रास्ता बदल दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।